हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज डॉक्टर छविकर। वेलकम टू माय चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का टॉपिक, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन। तो आज हम कमीशन के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप वर्ड समझिए, कमीशन किसे कहते हैं। देखिए, जब भी कोई केस कोर्ट में जाता है तो फिर क्या होता है कि कोर्ट उसको डिसाइड करता है। जब वो कोर्ट की मेरिट को देखता है, उस वक्त बहुत सारे इशू ऐसे आते हैं जो कि जज खुद नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उनको कोर्ट के बाहर जाना होता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए वो एक इम्पार्शियल व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, जिसे कि कमिश्नर कहता है। तो जो काम जज को करना होता है एविडेंस से रिलेटेड या कोई और मैटर को मतलब नॉलेज लेने के लिए, तो वो उस कमिश्नर को भेजता है और वो वहाँ पे जाके देखता है और फिर अपनी रिपोर्ट जो है वो जजेस को सौंप देता है। तो उसके बेसिस पे फिर जज जो है आगे की स्ट्रेटेजी जो है डिसाइड करते हैं। तो जब आपके जज के बेसिस पे कोई और कमिश्नर जो कि इम्पार्शियल पर्सन है वो जाके कोई काम करता है या किसी का विटनेस को मतलब उसकी गवाही लेता है, तो इसे बोलते हैं कि ये कोर्ट की पावर है कि वो कमीशन इशू कर सकती है। और ये जो कोर्ट की पावर है ये डिस्क्रिशनरी है, ज़रूरी नहीं है कि वो कमीशन इशू ही करे। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कमीशन इशू करे या नहीं करे। कभी कभी वो जो कमीशन इशू करती है पार्टी की एप्लीकेशन भी कर सकती है और स्यू मोटो भी कर सकती है। स्यू मोटो में वो अपने आप भी ये डिसीजन ले सकती है कि मुझे कमीशन इशू करना है, या वो पार्टी ने अगर कोई एप्लीकेशन करी है तो वो उस पार्टी की एप्लीकेशन के बेसिस पे भी कमीशन इशू कर सकती है। अब मैं इसके 3-4 एग्जाम्पल दूंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कमीशन कैसे इशू करते हैं और किसे हम कमीशन कहते हैं। देखिए, एक जो है, अगर किसी व्यक्ति ने जो रोड है, जो पब्लिक रोड है, उस पर इंक्रोचमेंट कर लिया है, अब जो उस रोड पे अदर शॉपकीपर थे उन्होंने उसके अगेंस्ट केस डाल दिया कि इसने पब्लिक रोड पे इंक्रोचमेंट किया है। अब जज को ये देखना है कि वास्तव में इंक्रोचमेंट हुआ है या नहीं, तो वो उसे उसकी शॉप पे ही जाके देखना पड़ेगा कि उसने पब्लिक रोड पे इंक्रोचमेंट किया है या नहीं किया है, तभी वो इस मैटर को ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर सकता है। अगर जज सोचता है कि उसे खुद जाके नहीं देखना है, तो वो एक इसके लिए कमीशन इशू कर देता है, एक इम्पार्शियल व्यक्ति को अपॉइंट करता है जिसे कमिश्नर कहते हैं। वो जाके देखता है कि उस पर्टिकुलर शॉपकीपर ने जो आपकी पब्लिक रोड थी उस पर इंक्रोचमेंट किया है या नहीं, और उसकी रिपोर्ट फिर वो जज को दे देता है। तो इसे कहते हैं कि कोर्ट ने इंक्रोचमेंट देखने के लिए कमीशन इशू किया। सेम वे क्या होता है कि अगर एक लैंड जो है डिस्प्यूट में है, उसके दो ओनर हैं, ए कहता है मैं भी इसका ओनर हूँ और बी कहता है मैं भी इसका ओनर हूँ। अब कोर्ट में केस चल रहा होता है ओनरशिप प्रूफ करने के लिए। इसी बीच ए कहता है कि इस लैंड पे अभी तो ओनर इसके डिसाइड नहीं हुए, कोर्ट में केस पेंडिंग है, लेकिन बी इस पे एक कमरा बनवा रहा है। तो अब कोर्ट को ये देखना है कि वास्तव में कमरा बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर वो कमरा बना रहा है तो ए के कहने पे उसे टेम्परेरी इंजेक्शन इशू करना पड़ेगा, लेकिन पहले उसे देखना पड़ेगा कि ए सच भी कह रहा है या नहीं कह रहा है। तो या तो जज खुद जाके उस लैंड को इंस्पेक्ट करे और देखे वहाँ पे कोई कमरा बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो वो खुद ना जाके एक इम्पार्शियल व्यक्ति जिसे हम कमिश्नर कहते हैं उसको जो है कमीशन इशू कर देता है। फिर वो कमिश्नर वहाँ जाके लैंड पे देखता है कि क्या बी वहाँ पे कमरा बना रहा है या नहीं बना रहा है, और इसकी रिपोर्ट जो है जज को सौंप देता है। तो इसे कहते हैं टू इशू कमीशन। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि अगर जज को ये देखना है और वो उसे कोर्ट से बाहर जाके देखना है कि पर्टिकुलर इशू की जो है रियलिटी क्या है, तो उस केस में वो कमीशन इशू करता है। अब है कि वो किस किस चीज़ के लिए जो है कमीशन इशू कर सकता है, कोर्ट की क्या पावर है कि किन चीज़ों के लिए वो कमीशन इशू कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो होती है कि विटनेस को देखने के लिए। अगर कोर्ट में, आपको पता है कोर्ट तभी केस डिसाइड करता है जब वो विटनेस की गवाही ले लेता है,
लेकिन कभी कभी विटनेस बहुत ज्यादा बीमार होता है, वो बेड रिडन होता है कि वो बेड से हिल ही नहीं सकता या वो बिल्कुल चल फिर ही नहीं सकता, तो ऐसे केस में कोर्ट इशू कमीशन कर देता है कि कमिश्नर जाके जो है जहाँ पे विटनेस है वहीं पे उसकी गवाही लेके और उसकी रिपोर्ट जो है जज को दे दे। तो इसे बोलते हैं टू एग्जामाइन विटनेस। जैसे जैन गुरु होते हैं वो नेकेड रहते हैं, तो अगर कोर्ट को लगता है कि ये प्रॉपर नहीं होगा कि हम किसी को विटनेस के लिए बुलाएं, तो ऐसे केस में वो इशू कमीशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है कि आप किसी की सोशल रैंकिंग के बेसिस पे जो है कमीशन इशू नहीं करेंगे। अगर कोई सेलिब्रिटी है या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है वो कहता है कि अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मेरी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी या मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तो सिर्फ इस बेसिस पे हम कमीशन इशू नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को प्रॉपर कोर्ट में आके विटनेस देना ही पड़ेगा। ये सिर्फ तभी लगता है कि जब बंदा बेड रिडन है, इनफॉर्म है या सीरियसली इल है, या कोर्ट को किसी और रीजन से लगता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट में बुलाना ठीक नहीं है, तभी वो इश्यू कमीशन करके विटनेस को एग्जामाइन कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन। देखिए, अगर कोई भी चीज़ ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल एक मैप है और उस पर लड़ाई चल रही है, आपका जो डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है कि इस व्यक्ति ने जो है मैप के अकॉर्डिंग जो है अपने घर का नक्शा नहीं बनाया है, हमने 3 कमरे पास किए थे, इसने 5 कमरे बना लिए, जबकि व्यक्ति कहता है जिस पे एलिगेशन लगा है कि नहीं जी मैंने तो 3 कमरे ही बनाए हैं। अब कोर्ट को जाके देखना पड़ेगा कि वास्तव में उसने वहाँ पे 5 कमरे बने हुए हैं या 3 कमरे बने हैं, तो यहाँ पे उसे लोकली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा मैटर को। तो इस केस में भी वो इश्यू कमीशन कर सकता है और कमिश्नर जाके फिजिकली देखेगा कि वो मैप के अकॉर्डिंग बना भी है या उसने एक्स्ट्रा कमरे बना लिए हैं। तो ऐसे केस में भी कोर्ट कमीशन को इश्यू कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है टू एग्जामाइन अकाउंट्स। देखिए, अगर किसी किसी केस में कोर्ट को ऐसा लगता है कि हमें अकाउंट्स को देखना है, सारे हमें जो है लैपटॉप को चेक करना है, सब चीज़ें करनी है, अकाउंट्स में क्या एडजस्टमेंट हुई है, और हमें एक्सपर्ट को वहीं पे देख के जो है वो चीज़ निकालनी है, तो ऐसे केस में भी वो जो है कमीशन इशू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टू मेक पार्टीशन। देखिए, अगर कोई पार्टीशन के लिए कोई केस कोर्ट में आता है तो अब उसे देखना होता है कि किसी घर का पार्टीशन हो रहा है तो कितना एरिया एक को पार्टनर पे जाएगा और कितना एरिया जो है दूसरे को पार्टनर पे जाएगा, क्योंकि कभी कभी आप अगर कोर्ट में बैठे बैठे डिसीजन जज दे देंगे तो पार्टीशन बहुत गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए पार्टीशन बहुत स्मूथ हो और वो सबके लिए इफेक्टिव हो तो वहाँ पे जाके हाउस को देखना या प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि पार्टीशन किस तरीके से दें जिससे कि किसी भी कोपार्षद को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पार्टीशन करने के लिए भी कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है। नेक्स्ट आता है फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। अगर कोर्ट को लगता है कि उसे कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करवाना है और वो कोर्ट के बाहर ही होगा बिल्कुल, तो ऐसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी वो कमीशन इशू कर सकता है। देन है आपका फॉर परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल एक्ट। देखिए, मिनिस्ट्रियल एक्ट में क्या होता है कि जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और वो कैलकुलेशन कोर्ट में बैठ के जज नहीं कर सकता है, जैसे उसे कोई रिवेन्यू रिकॉर्ड देखना है, उस रिवेन्यू रिकॉर्ड उसे 10-20 साल पीछे का देखना है कि वहाँ पे किस किस तरीके से ये चीज़ें हुई थी, तो वहाँ पे उसे पर्टिकुलर ऑफिस में जाके ही जो है वो सब देखना पड़ेगा, उनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इस तरह के एक्ट के लिए भी कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है। लास्ट है आपका कमीशन फॉर फॉरेन ट्रिब्यूनल। देखिए, कभी कभी फॉरेन में जो कोर्ट होता है अगर उसके यहाँ पे कोई सिविल कोर्ट चल रहा होता है और उसमें उसे किसी व्यक्ति की विटनेस चाहिए होती है और वो जो व्यक्ति है जिसकी विटनेस चाहिए होती है वो किसी हाई कोर्ट की अपीलेट ज्यूडिक्शन में होता है, तो फॉरेन कोर्ट एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हाई कोर्ट के नाम से लिखता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से जो है हाई कोर्ट को ट्रांसमिट करता है। तो फिर जब हाई कोर्ट को ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिलता है तो वो इशू कमिश्नर कर सकता है और कमिश्नर के थ्रू जो है उस व्यक्ति से गवाही लेके उसकी रिपोर्ट जो है फॉरेन कोर्ट को या फॉरेन ट्रिब्यूनल को भेज सकता है। तो इस केस में भी जो है कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कमीशन किसे कहते हैं।
कि कमीशन का मतलब है कि जब जज को ये लगता है कि कोर्ट के बाहर जाके कोई काम करना है और वो खुद नहीं जाके सारे काम कर सकता, तो वो एक इम्पार्शियल व्यक्ति को इस चीज़ के लिए अपॉइंट कर देता है, जिसे हम कमिश्नर कहते हैं। वो उस काम को करके अपनी रिपोर्ट जो है फिर जज को दे देता है। तो डिफरेंट केसेस होते हैं जबकि पावर जो कोर्ट की होती है कि वो इश्यू कमीशन कर सकते हैं, जो मैंने आपको 1-7 में बताई है। तो कमीशन देख के बच्चे बिल्कुल कन्फ्यूज होने आते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कमीशन किसे कहते हैं। मैंने टाइम टू टाइम आपको एग्जाम्पल भी दे दिए जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। आई होप दिस लेक्चर विल बी बेनिफिशियल टू यू। सो दैट्स ऑल फॉर माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।